नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा जी हैं। सर, क्या सिचुएशन है अभी तक? देखिए, अगर चुनाव के मद्देनज़र आप सिचुएशन पूछ रहे हैं तो सिचुएशन हमारे पेवर में, क्योंकि किसी भी दल को जो मैंडेट दोबारा चाह रहा है, मोदी जी चाह रहे हैं, तो उनके सामने तो उनका अपना मैनिफेस्टो पड़ा हुआ है। मैनिफेस्टो ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें तो कुछ खास करना नहीं पड़ेगा, उन्हीं का घोषणा पत्र उनके मुंह पे पढ़ देंगे। 600 से ज़्यादा जगह आलिशान महल खड़े किए हैं भाजपा ने, ये पैसे कौन दे रहा है? रफाल से आ रहे हैं या डिमोनेटाइजेशन में लूट करके आया? ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखा करके आए थे, भ्रष्टाचार युक्त बना दिया जर्रे जर्रे को इन्होंने। बाकी दलों की हालत देखिए और इनके दल को कौन पैसे दे रहा है? क्रोनी पूंजी के गोद में पल रहे हैं भ्रष्टाचार की कमाई से। और चौकीदार साहब, आपसे पहले ऐसा चौकीदार हमने नहीं देखा जिसके देखते देखते चौकियां गायब हुई और चौकियों के नीचे नोटों की गड्डियां आपके कार्यालय और मुख्यालय बनाने में चली गई। जनता इसका हिसाब लेगी। मनोज झा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, ये बात सच है कि लालू प्रसाद यादव के बगैर चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन महागठबंधन लगातार प्रयास कर रहा है और ऐसे में इस बार मुकाबला चौकीदार के खिलाफ होकर रहेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ कुमार गौतम, ईबी न्यूज पटना।